वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। प्रीवियस क्लास में हम कार्बन्स कंपाउंड चैप्टर के फंक्शनल ग्रुप के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे। आई होप वो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो मेरा जो ये सेशन है भाई आज प्रैक्टिस का रहने वाला है। इसमें क्या है कि हम फंक्शनल ग्रुप, आईयूपीएसी नेम, नोमेनक्लेचर, जो भी आप बोलना चाहो या जो भी आप भाई जैसे समझो आप, उन सब के आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कि जब भी आपके पास अगर कोई नेम गिवन है, आईयूपीएसी नेम गिवन है, तो आईयूपीएसी नेम से आप कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो और उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या नाम दोगे आप, कि मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। फिर अगर क्वेश्चन आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है तो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और फिर ये देखेंगे कि उसका नेमिंग हम कैसे रखेंगे। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड रहने वाली है, तो ध्यान से जरूर वीडियो को ध्यान से सुनना है ताकि आप लोग कुछ समझ में आ जाए, बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक। मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि फंक्शनल ग्रुप जो मैं बेसिक से करा रही हूँ, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से करा रही हूँ, ये आपके आगे जब भी आप पीसीएम लोगे तो उसमें बहुत ज्यादा काम आएगी आपके केमिस्ट्री के अंदर। आप पीसीएम लो या पीसीबी लो, केमिस्ट्री तो आपको मिलेगी ऑर्गेनिक, तो उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो को जरूर ध्यान से देखना, बिना टाइम वेस्ट ना करते हम अपना स्टार्ट करते हैं सेशन। तो जैसे कि अगर आपके पास आ जाए आईयूपीएसी नेम आ जाए भाई, फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपके एनसीईआरटी बुक के ही है, मैंने कहीं बाहर से उठाए, एनसीईआरटी बुक के इन टेक्स्ट क्वेश्चन और कुछ एक्सरसाइज के मैंने लिए हुए। तो ध्यान से देखना, अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाए ब्यूटा ब्यूटेन और अगर आ जाए, अगर पेपर में आपको मिलेगा मिलेगा 100% मिलेगा, अगर पेपर में आपको नेमिंग मिल जाए तो उस नेमिंग से आप कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या करोगे, आप क्या लिखोगे। तो सबसे पहले ब्यूट आते ही मैंने बताया था, अगर ब्यूट आ जाए तो क्या होगा, कार्बन एटम्स कितने मिलेंगे, 4। भाई हमने टेबल याद की थी नंबर कार्बन एटम्स की, मेथ अगर आ जाए तो 1, 8, 2, प्रोप 3, ब्यूट 4, पेंट 5, 6x ऐसे चलते वो डेटा तक जाती है आपकी, जाती नहीं जाती है। ब्यूट आगे अगर आगे तो ब्यूट क्या आते हैं, हमें पता चल गया कार्बन एटम्स हमारे कितने होते हैं 4, तो हमने क्या करना है 4 एटम्स को ऐसे राइट डाउन कर लो स्ट्रक्चर के लिए। मेरा मानना ये है कि अगर आपने स्ट्रक्चर अच्छे से ड्रॉ कर ली ना तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप इजीली लिख लोगे। काफी बच्चों ने रट्टे में मारते हैं, रट्टे मारने से बजाय ना आप लोग समझ के करो चीजों को। कार्बन एटम 4 कर लिया, अब एन है उस वजह क्या है, एन एक एक बॉन्ड को उठाते जाएंगे, एन मतलब कि सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है भाई हमें पता चल गया। ओ एनी ओन कीटोन, कीटोन का मैंने बोला था कि बॉन्डिंग जो बनती है वो कैसे बनती है आपकी, ऐसे बनेगी हमेशा कीटोन के अंदर जब भी बॉन्डिंग बनाओ तो ऑक्सीजन कभी भी साइड में रिप्रेजेंट नहीं करना है, हमेशा बीच में लेके चलोगे कीटोन को। तो हमने ये लिया, मैंने क्या लिया बीच में, यहाँ पे रख लेती हूँ मैं इसको, मैंने डबल बॉन्ड यहाँ पे रख लिया, बाकी जो कार्बन की बॉन्डिंग के लिए आप यहाँ पे इनके साथ H2 लगा दो, ये लगा दिया मैंने CH3, यहाँ तक का खेल खत्म हो गया। आप बोले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, भाई ब्यूटेनॉल आपके पास गिवन था, बोले ड्राई स्ट्रक्चर एंड राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनॉल, तो आप कैसे करोगे, ये तो होगी इसकी स्ट्रक्चर, हो गई स्ट्रक्चर हमारे। उसके बाद अगर आपको बोले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले ये देखो इसे बड़ी कंफ्यूज रहते बच्चों को, कभी भी ओ आप लास्ट में नहीं लिखोगे, क्या बोला मैंने, कभी भी ऑक्सीजन जो ओ एटम आप लेके चल रहे कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लास्ट में नहीं लिखा जाएगा। इस कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन है उसके इस साइड देखो कोवलेंट बॉन्डिंग क्या किया और इस साइड देखो एल्काइल ग्रुप, ठीक है जिसको हम बोलते हैं। तो मैंने क्या लिखा CH3CO, इनको देखो कार्बन CH2CH3, भी हम इसको ऐसे लिख लें, हम चलो इसको ऐसे लिख लिया, अब कंबाइन करके ऐसे लिखोगे CH3CO, ये कार्बन कितना होगा 2C2 और ये कितना होगा H5, मतलब जो कीटोन का CO था ये उसने इस साइड कोवलेंट बॉन्डिंग बना लिया अपने और इस साइड पर बीच में और आ गया, आया समझ में आया। अब क्वेश्चन में दो नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया, एक किस टॉपिक से ब्यूटेनॉल से हमने बात कर ली, एक तो स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगी हमारी और एक उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब क्वेश्चन में इस तरह पूछा जाता है सीबीएसई और एचबीएसई दोनों बोर्ड के अंदर कि हाउ मैनी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेनॉल,
मतलब कि हम ब्यूटेनॉल की कितनी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन के अंदर कि हाउ मैनी, क्वेश्चन ध्यान से नोटबुक निकालो, पेन पेंसिल जो भी आप ले रहे हो नोट करते जाओ, चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है एंड इम्पोर्टेंट करने वाली है। हाउ मैनी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, मतलब आप ब्यूटेनॉल की कितनी स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो। पॉइंट समझ रहे क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसने बोला हाउ मैनी। हाउ मैनी मतलब कि एक तो टाइप ये होगी भैया आपकी, एक टाइप मैसेज लिख सकते हैं इसको CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड O और ये हो गया CH3। भाई हमने डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाए, हम यहाँ पे भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आता, बट साइड में नहीं लगा सकते, हम साइड में इसको नहीं लगा सकते। ये अगर इसका IUPAC नेम पूछे पेपर के अंदर, अगर आ जाए कि स्ट्रक्चर आपके पास गिवन है, बोला IUPAC नेम, तो IUPAC नेम में मैंने एक चीज आपको क्लियरली बता दी थी कि जब भी फंक्शनल ग्रुप हो तो आप चेन में नेमिंग स्टार्ट करो कहां से, जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े, लेस पॉसिबिलिटी जहां से हो। अब देखो कि यहाँ पे कार्बन एटम इस चेन के अंदर पूरी कंप्लीट में कार्बन एटम कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे, 1 2 3 4। 2 पे क्या आ रहा है, ओन आ रहा है, सिंगल बॉन्ड है सब में, तो क्या लगाओगे, ब्यूटम या ब्यूटीन, 2 O Any ओन, ब्यूटीन है मतलब कि सिंगल बॉन्ड है, कार्बन एटम 4 लेके चल रहे हो, 2 पे क्या आ गया आपका ओ एनी ओन आ चुका है, क्लियर अंदर ध्यान तक, ओके। अगर इसमें आ जाए तो ये क्या नेमिंग आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, मैंने बोला जहां से पास में पड़े, पास में यहां से करोगे 1 2 3 and 4 एंड नेमिंग आपकी सेम आ जाएगी, क्लियर अंदर ध्यान तक, आया समझ में या नहीं है। अगर इसमें ओ एन की जगह ब्यूटन ना लग रहा आ जाता, क्या आ जाता हमारा, अगर ब्यूट ए एल आ जाए, ओ एन और ए एल अगर आ जाए तो उसमें आप कैसे करते, ए एल मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में हमारा क्या होता है बॉन्डिंग सी एच ओ होता है, मतलब कि सेटअप कितने लेके चलो। अब काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, वो देखते हैं कि ब्यूट में चार कार्बन एटम आते हैं, चार कार्बन को ना ऐसे लगाते चले जाएंगे और फिर सी एच ओ को ऐसे लगा दें, भाई ऐसे नहीं करना है, बिकॉज फिर ये कार्बन भी तो काउंट होगा ना आपका, इस कार्बन को अलग से नहीं लिखोगे, यहीं पे 1 2 3 4 यहीं पे आप सी एच ओ लगा दोगे अपने, यहीं पे आई चीज समझ में। अब इस कार्बन ने क्या किया, एक हाइड्रोजन एटम ऐसे कर लिया, वे डबल बॉन्ड है, दो इसको दे दिया एक इसको दे दिया। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन को, सी एच ओ के यहाँ पे क्या हो गया CH2 हो गया, यहाँ पे भी CH2 हो गया और यहाँ पे भी क्या हो गया CH3 हो गया, ठीक है। अब ब्यूटेनॉल में पूछे कि आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, पहले सबसे पहले ये देखो कि क्या हमने ये सही बनाया या नहीं बनाया है, ठीक है। देन उसके बाद फिर ये चेक करो कि बॉन्डिंग कंप्लीट हो रही है इसकी या नहीं हो रही है। अब भाई देखो, इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 2 है तो कार्बन के पास कितना लेगा, वो 2 लेगा, ठीक है। अब 2 लेगा तो क्या होगा, ब्यूटेनॉल हो गया। बट अगर ब्रांच की बात हम करें इसमें, तो ब्रांच कैसे बनाओ, मैं CH3 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया CH2 हो गया, क्या यहाँ पे CH3 लगा देंगे और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ और एक एच, ध्यान से देखो क्या ये बॉन्डिंग बन रही है आपके, बन रही, बट इसमें फिर ब्यूट की जगह आ जाएगा हमारे पेन आ जाएगी, पेंटिंग। और अब प्रायोरिटी आप इसको दोगे या इसको दोगे, भाई सी एच ओ आ चुका है मतलब कि ए एल आ चुका है आपका, तो पेंटेन प्रोपेनॉल तो हो गया आपका, लेकिन इसी इसमें क्या नाम दोगे आप, मिथाइल, मतलब ये 1 पे, यहाँ पे 2 पे, यहाँ पे 3 पे आया, ठीक है आपका। तो यहाँ तक तो हमें चल गया क्या ये प्रोपेनॉल है, क्या ये प्रोपेनॉल है, ठीक है, और 2 पे क्या है मिथाइल, तो क्या 2 मिथाइल आप ऐसे लिखोगे, ऐसे नहीं लिखोगे, कैसे लिखोगे, हमेशा 2 मिथाइल, मिथाइल ग्रुप कितने पे, 2 पे, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल आप हमेशा ऐसे लिखते चलोगे, क्लियर होता है क्या तक, एक बार चेक कर लो और अपने नोटबुक पे नोट करते जाओ ताकि एग्जाम में आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाए, इनसे मिलेगी जरूर क्योंकि पेपर में आएंगे जरूर, इसलिए कर आए हैं, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो चेक कर लो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ले लिए स्क्रीनशॉट, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। ब्यूटेनियल का हो गया हमारा, आई होप आपको जितने डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं हम, एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी गिवन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन गिवन है, तो फटाफट पहले इसको फॉर्मलाइज कर लेते हैं, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपके एनसीईआरटी इंडेक्स का एक क्वेश्चन है कि हाउ मैनी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सन या पेंटन, जब पेंटन ले लेते पहले पेंटन कि आप पेंटन की कितनी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, ब्यूट क्या होगी पेंट क्या करते हैं, पेंटनल आ गया तो इतना ध्यान रखो पेंटनल पेंटिंग। सबसे पहले देखो सब में क्या बनेगा, सिंगल बोन बनेगा, ए एल क्या होगा अभी हमारा डबल बोन होगा। पेंटनल जब आप ले रहे हो तो सबसे पहले देखो कार्बन एटम कितने रहेंगे आपके, पांच रहेंगे आपके पास, 1, 2, 3, 4 and 5। साथ में क्या ए एल है क्या लगे सी एस टू, इनके बीच में क्या लगा दोगे CH3 CH2 एंड यहाँ पे क्या लगा दो कार्बन के साथ में CH2। ठीक है, अब क्या है नेमिंग कैसे रखोगे भाई, चेन रखोगे तो चेन सबसे पहले 1, 2, 3, 4 मतलब 1 पे क्या आपका ए एल आ चुका है, सब में सिंगल बॉन्ड है तो पेंटिंग 1 और क्या आ गया ए एल आ गया। या मोलिकुलर फॉर्मूला की बात करें तो भाई कितना हो गया हमारे पास 1, 2, 3, 4 C4 तीन अदो पांच अदो सात अदो कितना हो गया 9 H9 और साथ में क्या फिर वो अगेन क्या आपका CHO ये लगाओगे। ठीक है, या फिर इस कार्बन के साथ इस कार्बन को आप ऐड करोगे तो C5H10O आ जाएगा, बट O नहीं लगाना, CHO आपने अलग से रखना है ताकि आपको पता चल जाए कि AL है वो किसका होता है एल्डिहाइड और किसका होता है CHO का होता है, और हमारी जो बॉन्डिंग बनती है वो क्या बनती है CHO कुछ इस तरह से बनती है नहीं बनती है। आप बोलो कि हाउ मैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर, हम इसमें कितने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं भाई, अगर हमारे पास CH3 CH2 है, अब मैंने क्या किया ये CH3 इसकी ब्रांच बना लेते हैं, हमने क्या बना लिया यहाँ पे इसका ब्रांच बना लिया CH3 रख लिया यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले ये देखो कि इस कार्बन की टेट्रावेलेंसी कंप्लीट हो रही नहीं हो रही भाई, इस कार्बन ने दो इसको दे दिए, अब दो हाइड्रोजन को अगर दे देगा वो तो चार तो ही कंप्लीट हो गया, यहाँ पे क्या वो CH2 रखेगा फिर, मतलब CH2 CHO रहेगा क्या फिर यहाँ पे भाई, हमने इस कार्बन को यहाँ पे सेटअप कर लिया। अब इस कार्बन ये देखो क्या ये CH2 जो है ये आपने सही लगाया नहीं लगाया भाई, इस कार्बन ने अपने एक इसको दे दे, एक इसको दो, एक इसको दे दे तीन, तो एक ही तो बचा ना, तो एक ही तो हाइड्रोजन से देगा ना यहाँ पे, एक ही से देगा यहाँ पे, मतलब आप यहाँ पे ये अगर ऐसे यहाँ पे ना लगाना चाहते हो यहाँ पे लगा लो, इसको आप हटा लो यहाँ से, लो लगाएगा तो यहाँ पे ना हो, तो एक स्ट्रक्चर ये हो गया आपके पास। एक स्ट्रक्चर ऐसी भी हो सकती है आपके पास कि CH3 CH2 और CH, यहाँ पे आप CH3 लगा लो और यहाँ पे क्या हो जाएगा CHO, बट नेमिंग में ध्यान रखना फिर इसका, जैसे अगर आपने एल्काइल ग्रुप आपको यहाँ पे आ चुका है तो 1, 2, 3 and 4 फिर 4 ब्यूट है आपके पास। ठीक है, मतलब कि ब्यूट 2-मिथाइल, 2 पे तो क्या है आपका मिथाइल, सिंगल बॉन्ड है सबका और CHO है तो क्या हो जाएगा ब्यूटन है, इस चीज को ध्यान रखना, ये चीज बहुत जरूरी समझ बच्चों के लिए। अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम, पहले देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, देन उसके बाद उसकी ब्रांच बनाओ। ठीक है, अब ये जो CH2 है क्या इसके ऊपर CH3 लगा सकते हैं भाई, अगर मैं इसको ऐसे करूं तो CH3 CH, एक यहाँ पे CH3 लगा लिया मैंने और एक यहाँ पे CH3 लगा दिया। ठीक है, और इसके साथ क्या लगा दिया हमने CHO लगा, अब दो एल्काइल ग्रुप आ गए तो क्या कर दोगे आप 2-डाइमिथाइल लगा दोगे या फिर आइसोमिथाइल रखोगे। क्लियर हो गया क्या था, मैंने क्या बताया, मैंने बोला कि हाउ मैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर, कितने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, एक तो भी स्ट्रेट चेन वाले, एक हो गए उसके ब्रांच चेन हो गए और एक ही हो गया आपके पास, और एक आप इसके साइक्लिक भी बना सकते हो जिसको हम साइक्लोपेंटनल बोल सकते हैं, जैसे कि एक कार्बन हो गया यहाँ पे, एक कार्बन हो गया
देन उसके बाद ये कार्बन हो गया, फिर ये कार्बन हो गया, फिर ये कार्बन और देन ये 1 2 3 4 5 हो गया आपके पास। यहाँ पे आपके सेम एच एच चलते जाएंगे, यहाँ पे भी एच और एच चलते जाएंगे, भाई दो दो शेयरिंग हो रहा है ना, यहाँ पे भी एच एच चलता जाएगा आपका, यहाँ पे भी एच एच चलता जाएगा। अब मुझे ये बताओ इसने एक एच दे देगा, डबल बॉन्ड क्या आपको ओ को दे पाएगा, यहाँ पे दे पाएगा नहीं दे पाएगा ना, तो एक कार्बन का ना एच को कम कर दो, किसी भी कार्बन को कम कर दो, इसमें ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं बच्चों को, इसलिए ये जो चीज ये कम पूछी जाती है साइक्लोपेंटेन वाली, आपको जो पूछी जाती है वो ब्रांच चेन के केस में पूछी जाएगी या स्ट्रेट चेन के केस में पूछी जाएगी। इस केस में कंफ्यूज मत होना, अगर ये कार्बन अपने दो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा लेगा, फिर वो दो तीन चार फिर ये ऐसे बनेगी आपकी, बट ये केस आपको कम पूछा जाता है जितना केस आपको ये पूछे जाते हैं। और एक ही नेमिंग में अगर एक एल्काइल ग्रुप है तो मिथाइल रहेगा, दो है तो या तो आइसो रहेगा या फिर वो टू डाई मिथाइल रहेगा, समथिंग ऐसे रहेगा। जैसे ये है वन पे है, टू पे है और यहाँ पे क्या आएगा थ्री पे आ गया, थ्री आ गया मतलब प्रोप है, अब क्या बन रहा है प्रोपेन बन रहा है, मतलब क्या बन गया टू पे क्या है डाई मिथाइल एंड प्रोपे सी एच है तो प्रोपे नन, क्लियर हो गया क्या था इसका ऐसे आया। आया समझ में नहीं आया, थोड़े से ना स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी आप लोगों को, बट जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आप लोग इसे समझ में आ जाएगा। जैसे पेंटेन का हो गया, अगर मैं इसके जगह हेक्सेन का लेके चलूं, अगर हम इसके जगह हेक्सेनॉल का लेके चले, चलो हम हेक्सेनॉल का सोल्व करते हैं, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप हमारा जो क्लोरो ब्रोमो आयोडो वाला केस है उसको भी हम सोल्व करते हैं। अगर हेक्सेनॉल अगर आ जाए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेक्सेनॉल, आज मैंने अपने ऑफलाइन कोचिंग सेंटर कराया था, काफी बच्चों बड़े प्रॉब्लम आए थे इसमें भी, तो हेक्सेनॉल में क्या होता है कार्बन के सिक्स एटम रिप्रेजेंट कर लोगे 1 2 3 4 5 और 6 CHO AL मतलब CHO, इनके बीच में कुछ नहीं है तो हम लगा दें कार्बन कंपाउंड CH3 CH2 CH2 अगेन CH2। एक तो हो गया आपके पास स्ट्रेट चेन, नेमिंग कैसे रखोगे 1 2 3 4 5 6 मतलब मॉलिक्यूलर 4+ हो गए, ठीक है। तो कितना हो गया हमारे पास C5 3 to 5 to 7 to 9 to 11 C5 H11 और क्या हो गया CHO, ये हो गया हेक्सेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक बार ध्यान से देख लो, नोट कर रहे हो ना, नोट करते जाना भी नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी आप लोगों को, हो गया। अब इसके हाउ मैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हम कितने ड्रॉ कर सकते हैं इसके अंदर भी हेक्सेनॉल के अंदर भी CH3 सब केस सेम चलेगा, यहाँ पे मैंने CH3 रख लिया, फिर अगेन यहाँ पे अब एक कार्बन कंपाउंड क्या कर दो हटा दोगे लगाओगे इस कार्बन एक दो तीन और एक इस कार्बन साथ तो CH हो गया, फिर अगेन CH2 एक इनका हो गया ये हो गया और ये, अब देखो सही बन रहा है नहीं बन रहा, 1 2 3 4 5 हो गया, एक ही होगी ब्रांच चेन आपकी। सेकंड देखो सेकंड इसी की CH3 इसमें तो काफी बन जाएगी आपको भी CH CH3 अगेन यहाँ पे CH3 तो ये कार्बन हाइड्रोजन एटम आपका हट जाएगा, यहाँ पे फिर CH2 और फिर CHO 1 2 3 4 ठीक है। पेंट की होगी, ब्यूट के साथ भी हो सकती है, अगेन और कुछ बन सकती है इसकी, भाई ये जो एल्काइल ग्रुप है इसको हटा दो यहाँ पे, या इस कार्बन के साथ एक और कार्बन आप अटैच कर सकते हो, आपकी मर्जी है उसमें। तो आप इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो हेक्सागन की। अगर यहाँ पे ये आ जाए ब्रोमो पेंटेन, अगर आ जाए ये चीज हो रहा है हमारी ब्रोमो पेंटेन, एन आते ही क्या लग गया सिंगल बोन, ब्रोमो पेंटेन मतलब कि सी कार्बन कंपाउंड कितना होना चाहिए 5, हमने 5 लगा दिया, ब्रोम है ब्रोम हम यहाँ पे लगा देंगे, इनके बीच में कुछ नहीं तो कार्बन हाइड्रोजन एटम को आप अटैच करते हो, चलो इनके साथ मतलब इनके साथ बॉन्डिंग बना दो हाइड्रोजन एटम की, ठीक है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर की बात करो तो डॉट स्ट्रक्चर आपकी मैंने काफी केस में कराई हुई है कि कैसे आप डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो, तो प्रीवियस क्लास को जरूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां विजिट करना और डायरेक्टली अपने भी जितने डाउट हो क्लियर कर लो, बिकॉज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई जस्ट समझ, अगर साइक्लोहेक्सेन अगर आ जाए क्या आ जाए
साइक्लो हेक्सीन अगर आ जाए तो उसको आप कैसे करोगे, सी 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 अगेन सी, फिर यहाँ पे सी, फिर यहाँ पे सी और फिर ये हो गया किसका, हेक्सेन का। साइक्लिक है, साइक्लिक कैसे बन गई, हेक्सेन सिंगल बॉन्ड है तो सब पे एच एच बॉन्डिंग बना दो, एच एच की एच एच। पेपर में ये भी पूछा जाता है कि कितने कोवलेंट बॉन्डिंग बन रहे हैं, जैसे कि अगर से पूछे कि कितने कोवलेंट बॉन्डिंग बन रहे हैं तो क्या जवाब दोगे भैया आप लोग, क्या करके आप अच्छे से समझ कर दिया, इससे बोले कितने कोवलेंट बॉन्डिंग बन रहे हैं, देखो 11 और 5 कितने हो गए 16, एक इसके साथ बन रहा है कितना हो गया 17 और एक 18 और एक कितना हो रहा है 19, देखो यहां पे काउंट कर लो आप, भाई इस कार्बन ने तीन इसके साथ बनाए 3 हो गए, एक इसके साथ 4, 4 इस कार्बन ने कितने किए, इसने भी 3 किए, 4 3 कितना, 4 से कितने हो गए 7 हो गए, फिर आगे 3 कर रहा है, तो जैसे जैसे ये कोवलेंट बॉन्डिंग हम सबको काउंट करते जाओ, जैसे इसकी बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है, मतलब एक कम हो गया कितना हो गया 17, तो कितना मिल जाएगा इसमें 17 कोवलेंट बॉन्डिंग अगर आ जाएगा। पेपर में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर, आपके पास या तो IUPAC नेम गिवन होगा स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी, या फिर भी आपको स्ट्रक्चर बनी बनाई मिलेगी, आपको बताना पड़ेगा उसका IUPAC नेम या नोमेनक्लेचर। देन सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि आपके पास कोई नेम गिवन है, उसके पूछेंगे इसकी आप कितनी ऐसी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, तो स्ट्रक्चर मैंने बताया कि चेन ऑफ स्टेट चेन ब्रांचिंग साइक्लिक चेन कैसे कैसे बनती है, आप इसलिए बना लोगे। साइक्लिक किस किस की बनती है आपकी वो भी मैं बता चुकी हूँ। अगर ये हो गया, अब यहाँ तक हो गया तो खेल, मैंने ए एन ओ एन ओ एन ए इनका बता दिया, कार्बोक्सिलिक अगर आ जाए मतलब ओ ओ एच अगर आ जाए, समथिंग आपके पास आ जाए, अगर क्या आ जाए, मिथेनोइक या इथेनोइक ऐसा कुछ आ जाए, जैसे इथेनोइक अगर आपके पास आ गए, ध्यान से देखना, अगर आपके पास आ जाए इथेनोइक अगर आ जाए तो इथ में कार्बन एटम कितने होते, 2 होते हैं, ठीक है। अब काफी बच्चे क्या करेंगे, ओइक देखते ना COH को ना यहाँ पे यू लगा दें, अरे बच्चे ऐसे नहीं करना, ध्यान से देखो COOH जो रहेगा वो ऐसे ही लगा रहेगा, और इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, और इसका दूसरा नाम भी दे देंगे अगर पेपर के अंदर घुमाने के लिए, तो क्या रहता है एसिटिक एसिड, क्या रहेगा एसिटिक एसिड रहेगा, ठीक है। और मिथोनिक अगर एसिड आ जाए तो मिथोनिक में क्या भाई ओइक का सिंबल ये होता है, बॉन्डिंग ऐसे बनाता है, अब ये क्या करते हैं मतलब कि एक कार्बन एटम आता है भाई, एक कार्बन एटम ऑलरेडी आ चुका है तो ये बॉन्डिंग जो बनाएगा वो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, तो मिथोनिक एसिड क्या हो जाएगा एस सी ओ ओ एच आ जाएगा। ध्यान रखना अगर ओ एन ए अगर आ जाए तो हमेशा जो बॉन्डिंग बनेगी वो हमेशा बीच में बनेगी, और उसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बात करें तो वो भी हमेशा बीच में ही रहेगा। इस केस में बच्चे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं बजाय ए एल ओ एल और कोइक के केस में, ठीक है, वे केस इजी पड़ता है बट ये थोड़ा बच्चों को क्रिटिकल लगता है। ध्यान रखना अगर जैसे कि आपके पास आ जाए पेंटोन कर लिया हमने, प्रोपेनोन का अगर आ जाए, प्रोपेओएन के अगर आ जाए आपके पास, तो ध्यान रखना जैसे कि CS3 तो CO दो कार्बन रहेंगे आपके पास, ठीक है, दो कार्बन, प्रोप है तो 3 चल जाएगा तो ये हो जाएगा। फिर ये देखना जो मैंने ये बनाया क्या वो सही है या नहीं, मतलब उनके बीच में जो बॉन्डिंग बन रही है वो आपके करेक्ट है या नहीं है, बट आप कभी भी CO को इसके पीछे नहीं लिखोगे, हमेशा इसको बीच में रखोगे। अब देखा क्या मैंने ये प्रोपेनॉन को सही बनाया, एक बार आप चेक कर लो CS3 अगर आप लोग डायरेक्ट ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो तो पहले चेक जरूर करना है कि आपने जो लिखा वो सही है या नहीं है। अब देखो CH CH और CS तो मेरे क्या है बिल्कुल करेक्ट गया, ये बीच में भी आया हुआ है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने बीच में रखा। क्लियर होता है ध्यान तक, तो फंक्शनल ग्रुप की मैंने 3 वीडियो बना दी है और आई होप आपको ना समझ में आ भी गया हो, अगर ध्यान से समझाओ तो भाई, बिकॉज ये जो चैप्टर है इसमें स्किप करने का तो कोई चांस ही नहीं कुछ भी, और आज जो मैंने कराया है ये तो आपके NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, तो होप सो आपको समझ में आया होगा, अगर आया हो
तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है इस टॉपिक के अंदर, ताकि मैं कोशिश कर सकूं कि आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी हमारे कार्बन कंपाउंड चैप्टर जो है वो खत्म होने वाला है और हम एक बार क्विक रिविजन भी कर लेंगे इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।